तो ये बात है कुछ दिन पहले का, जब मैं माइनक्राफ्ट के अंदर अपने सर्वाइवर वर्ल्ड में खेल रहा होता हूँ। एंड उस दिन मैंने काफी टाइम तक माइनक्राफ्ट खेला, तो काफी देर तक माइनक्राफ्ट खेलते खेलते मैं बोर्ड हो चुका था। तो मैं चला जाता हूँ इसलिए मूड फ्रेश करने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए। तो यूट्यूब ओपन करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो नीचे आने पर मुझे दिखता है टेक बर्नर का ये वाला वीडियो। तो इस वीडियो का थंबनेल देख के मैं चला जाता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। अलग अलग टाइप के गैजेट है, कुछ ट्रिगर है, कुछ जॉयस्टिक है, कुछ स्क्रीन है, कोई ऐसे हैं जो भाई एक मोबाइल की गेम को कंप्यूटर गेम बना दे, कीबोर्ड माउस लगा के ऐसे लगे हैकिंग कर रहे हो। इन कीबोर्ड से आगे पीछे भाई को बोलते हैं प्रोफेशनल, भाई उछलने कूदने का सबका मैप करना पड़ता है एक एक करके, बट एक बार मैपिंग हो जाए उसके बाद देखो भाई, ये देखो भाई एंटर लगा के ना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखा क्या मारा मैंने भाई को, देख भी नहीं पाया भाई वो मेरे को, एक गोली नहीं मार पाया भाई वो मेरे। ये देखा क्या मारा भाई, क्या एम लगाया भाई, ये तो चीटिंग जैसा लग रहा मेरे को। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग अपने फोन में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करके पीसी जैसा गेम प्ले कर सकते हैं। तो टिकवन ने तो यहाँ पे पबजी खेल रहे थे, तो चलो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ इसी में माइनक्राफ्ट खेल के कि हम लोग माइनक्राफ्ट को कीबोर्ड और माउस से खेल सकते हैं कि नहीं। और अगर हम लोग माइनक्राफ्ट कीबोर्ड और माउस से अपने खेल सकते हैं तो वो तो बिल्कुल जावा जैसी फील देने वाला है। तो चलो गाइस अब मैं भी मंगाता हूँ एक कीबोर्ड और माउस और देखते हैं हम लोग जो है अपने फोन में कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करके गेम प्ले कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जानने के लिए मुझे मंगाना पड़ेगा कीबोर्ड और माउस, तो इसके लिए मैं जल्दी से जाता हूँ अमेजोन पर और सर्च करता हूँ वहाँ पे गेमिंग कीबोर्ड और माउस कॉम्बो। सर्च करने के बाद मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, नीचे जाने के बाद मुझे मिलता है ये गेमिंग कीबोर्ड और माउस। तो मैं ये गेमिंग कीबोर्ड माउस को देख लेता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं, उसके बाद जल्दी से मैं इसको बाय कर लेता हूँ। तो कुछ दिन बाद मेरे पास आ चुका था अपना गेमिंग कीबोर्ड और माउस, और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक कीबोर्ड और गेमिंग माउस भी है, और मैं तुम लोग को आवाज इसका सुना देता हूँ। तो देख सकते हो इस कीबोर्ड का आवाज कुछ इस तरीके से होने वाला है, और ये रहा हमारा गेमिंग माउस जिसमें तुम लोगों को 6 बटन देखने को मिल जाएगा, और इसमें आप लोगों को 3200 dpi तक देखने को मिलता है। और गाइस तुम लोगों को ये सेटअप करने के लिए यहाँ पे एक चाहिए USB हब एंड OTG, इससे तुम लोग अपने फोन में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सकते हो। एंड USB हब जो है 4 पोर्ट का ही लेना, तभी तुम लोग का कीबोर्ड और माउस जो है मोबाइल में वर्क करेगा। और ये मैंने USB हब लिया था ऑनलाइन जो कि मेरे को पड़ा था 150 में, और तुम लोग अपने बगल के शॉप से प्राइस भी इसका पता कर सकते हो। अगर तुम लोग को इसको कम प्राइस देखने को मिला था तुम लोग वहाँ से भी बाय कर सकते हैं उसको। और तुम लोग जो है OTG ऑफलाइन बाय करना, ये तुम लोग को 20-50 रुपए में ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। एंड तुम लोग का इस कीबोर्ड और माउस का भी प्राइस जानना है तो इस वीडियो को बने रहना, मैं आगे तुम लोग का इस कीबोर्ड और माउस का भी प्राइस बताने वाला हूँ। तो चलो अब जल्दी से करते अपना सेटअप। तो जो सही फोन में तुम लोगों को माइनक्राफ्ट कीबोर्ड और माउस से प्ले करना है तो उस फोन में तुम लोगों को जाकर करना पड़ेगा सेटिंग से OTG ऑप्शन को इनेबल। ये सेटिंग इनेबल करने के बाद तुम लोगों को लगा देना है अपने फोन में OTG। OTG लगाने के बाद अब तुम लोगों को क्या करना है, अपने USB हब में लगाना है कीबोर्ड का केबल एंड माउस का केबल। तो चलो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कैसे कैसे यहाँ पे करना है। तो देख सकते हो मेरा 4 फुट का USB हब है, तो मैं सबसे ऊपर वाले दोनों USB पोर्ट के अंदर एक में लगा दूंगा अपना कीबोर्ड और एक में लगा दूंगा अपना माउस। उसके बाद तुम लोगों को इतना करने के बाद तुम लोगों को ये जो है USB हब का जो पोर्ट है यानी कि USB हब का जो यहाँ पे केबल है वो तुम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फोन के OTG वाले में। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ इसको और जल्दी से इसको सेटअप भी कर लेता हूँ। तो देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे सारे चीज को एडजस्ट कर दिया है, और यहाँ पे देख सकते हो कीबोर्ड का लाइट यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से यहाँ जल रहा है, और हमारे कीबोर्ड और माउस दोनों में लाइट आ चुका है। एंड गाइस इस कीबोर्ड में तुम लोग इसके लाइट के ब्राइटनेस को भी कम या ज्यादा कर सकते हो। तो कीबोर्ड के लाइट के ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करने के लिए तुम लोगों को कीबोर्ड में 2 की देखने को मिल जाता है, एंड इससे तुम लोग कीबोर्ड के लाइट के ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस ये तो रही कीबोर्ड की, अब माउस में भी बता देता हूँ तुम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो माउस में भी तुम लोगों को लाइट देखने को मिल जाता है, और तुम लोग माउस का DPI जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे माउस में भी लाइट चेंज होते रहेगा। तो गाइस अगर तुम लोग को ये कीबोर्ड और माउस का प्राइस जानना है तो तुम लोग वीडियो पर बने रहना, थोड़ी देर बाद मैं तुम लोग को इसका प्राइस भी बता दूंगा। एंड माइनक्राफ्ट भी ओपन हो चुका है, तो चलो अब चलते हैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। तो कहाँ गया मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड, तो ये रहा। तो चलो मैं चलता हूँ अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में, और तुम लोग को पता होगा कि माइनक्राफ्ट पी में कितना टाइम लगता है वर्ल्ड को लोड लेने में। 1 hour later. तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ काफी दिनों बाद अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में, और तुम लोग देख सकते हो मेरा कीबोर्ड और माउस प्रॉपरली यहाँ से सही से वर्क कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं कीबोर्ड से आगे कर रहा हूँ कैरेक्टर को, तो आगे हो रहा है। और मैं यहाँ से अपने थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन व्यू को इजिली चेंज कर सकता हूँ कीबोर्ड के F5 बटन से, तुम लोग देख सकते हो। एंड माउस भी सही से वर्क कर रहा है। अब मुझे पता करना है कि मेरा माउस का राइट क्लिक वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि कितने फोन में माउस का राइट क्लिक ही वर्क नहीं करता। तो गाइस मैंने चेक किया था तब तो राइट क्लिक सही से वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने
मैंने जाके सेटिंग से अपना जो राइट क्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है और मेरा अब जो है राइट क्लिक सही से वर्क कर रहा है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस अब मैं बता देता हूं कि मेरा कीबोर्ड और माउस का प्राइस कितना है। तो गाइस इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो कि मैंने ये कीबोर्ड और माउस कितने में लिया है। और अगर तुम लोग को ये कीबोर्ड और माउस बाय करना है तो हाँ तुम लोग कर सकते हो। अगर गाइस तुम लोग को इससे भी सस्ता में अगर सेटअप चाहिए तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, इसमें तुम लोग को सारा चीज एक साथ देखने को मिल जाएगा, कीबोर्ड माउस यूएसबी हब एंड ओटीजी भी, तो सारा एक कॉम्बो आता है, तुम लोग वो बाय कर सकते हो, इससे भी तुम लोग को सस्ते में पड़ जाएगा वो। तो गाइस अब बात करते हैं मेरा सेटअप की कि मेरा इस सेटअप में कितने पैसे लगे हैं। तो गाइस ये मेरा सेटअप हुआ है पूरा 1500 में। तो गाइस तुम लोग इससे भी कम प्राइस में अपना सेटअप बना सकते हो, जो कि मैंने कॉम्बो का लिख दिया वो बाय कर लेना, वो तुम लोग को 700 से 800 में पड़ जाएगा एंड तुम भी ऐसा सेटअप बना सकते हो बिल्कुल कम ही प्राइस में। तो गाइस अब मैं दिखा देता हूँ मेरा राइट क्लिक वर्क करता है कि नहीं। तो गाइस देख सकते हो मेरा यहाँ पे राइट क्लिक भी यहाँ पे वर्क करने लग गया है। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो आज का इस वीडियो का लाइक गोल में रखता हूँ 200, तो आप लोग कंप्लीट करवा देना। तो चलो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।